ओए होए, कैसा परोपकारी आदमी है बाल मुकुंद आचार्य, कैसा परोपकारी नहीं आदमी नहीं, बाबा जी कैसा परोपकारी बाबा जी हैं बाल मुकुंद आचार्य भाई साहब। ऐसा परोपकारी हैं, ऐसा परोपकारी हैं, विधायक बनते ही हम लोग का हालचाल जानने को नहीं भागे। पहले अपने लोग का, भगत लोग का भाई साहब, दूसरे लोग का, मुसलमान लोग का हालचाल जानने को भागे, विधायक बनते ही भागे भाई साहब। जाके देखें तो सही, मुसलमान लोग पे लाइसेंस वाइसेंस भी है कि नहीं, या बिना लाइसेंस के दुकान चला रहा बेचारा। एक के पास भी लाइसेंस नहीं है, एक के पास भी। ऐसा परोपकारी है भाई साहब, बोल दिए साफ साफ, कराची नहीं बनने देंगे, क्योटो बनाएंगे तुम लोग के इलाके को, या पेरिस बनाएंगे, कराची नहीं बनने देंगे। कराची बनाना चाहते हो? ये अपराकाशी है। कैसा परोपकारी है भाई साहब, ऐसा लग रहे हैं साक्षात रामराज आ गए राजस्थान में। यूपी में तो आ गए थे पहले ही, अब राजस्थान में भी आ गए, और बाल मुकुंद के संग संग बालकनाथ भी आ गए। बाबा बालकनाथ, बाल भी आ गए, बालक भी आ गए, दोनों आ गए एक के संग एक, बाबा ही बाबा। भाई साहब ऐसा लग रहे हैं हमारे देश में तो बाबा युग शुरू हो गए, प्राचीन युग, प्राचीन काल, पत्थर रगड़ के, वो पत्थर रगड़ के आग नहीं जलाते थे, ऐसा लग रहे हैं वो दिन भी आने ही वाले हैं। अब हमारे देश में बाबा लोग ही बनेंगे भाई साहब। ऐसा परोपकारी है, ऐसा परोपकारी है भाई साहब, ऐसा परोपकार कर रहे हैं। हमारे शेर का विजन, हमारे शेर के विजन पे चल रहे हैं, ये हमारे शेर का ही विजन है। मोदी जी का विजन जो है, बोल रहे हैं कि हम सबका तो साथ लेके विकास, मोदी जी का विजन पूरा कर रहे हैं, और आसाराम बापू का भी पद चिन्ह पे चल रहे हैं भाई साहब, आसाराम बापू का। हो सकता है उनको बदनाम करने के लिए कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, उनको उनकी छवि खराब करने के लिए कुछ कर दिया होगा, बहुत सारे संतों के लिए किया, करते ही रहते हैं, ये तो इनका तो काम है निरंतर। कैसा परोपकारी है भाई साहब, एक एक दुकान पे जाके चेक किए, गंदगी पंदगी में तो नहीं बेच रहे हो, हाइजीन पाइजीन का भी ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, कहीं खुले में तो नहीं बेचने पड़ रहे, लाइसेंस पाइसेंस है कि नहीं, इतना लब करते हैं, इतना लब करते हैं मुसलमान लोग को भाई साहब। अभी तो विदाई का सर्टिफिकेट भी नहीं मिले थे, उससे पहले मुसलमान लोग का हालत जानने भाग गए, इतना लब करते हैं। जो काम प्रशासन के हैं, पुलिस के हैं, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के हैं, जो काम भाई साहब खुद खुद करने पहुंच गए उस काम को, अपने हिंदू भाई लोग का ख्याल नहीं आया भाई साहब, उनके बारे में नहीं सोचे कि अपना हिंदू भाई कहाँ दुकान लगा रहा है, कहाँ ठेला लगा रहा है, वहाँ गंदगी तो नहीं हो रहे हैं, उन लोग पे लाइसेंस वाइसेंस भी है कि नहीं, जूस पूस कहाँ बेच रहे हैं, अपना दाल चावल खुले में तो नहीं बेच रहा है, फल सब्जी कहाँ बेच रहे हैं, फुटपाथ पे हैं, इलीगल हैं या लीगल हैं, भाई साहब अपने लोग का ख्याल नहीं आए। ऐसा परोपकारी है भाई साहब बाल मुकुंद आचार्य, और बीजेपी का ज़्यादातर नेता, खाली बाल मुकुंद आचार्य ही नहीं, बीजेपी का ज़्यादातर नेता ऐसा ही परोपकारी है। परवेश वर्मा याद नहीं है कैसा परोपकार कर रहे थे भाई साहब, आर्थिक बहिष्कार कर दिए थे मुसलमान लोग का, आर्थिक बहिष्कार करवा दिए, इतना ध्यान रखते हैं मुसलमान लोग का, परिश्रम से बचा रहे थे भाई साहब मुसलमान को, जो उनको मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े, आराम करें अपने घर में, ये धूप भूप में वो फल बल नहीं बेचता ठेले पे अपना, प्रवेश वर्मा नहीं चाहते भाई साहब धूप भूप में निकले, अपने घर पे रहे, अपने घर पे आराम करे, और भाई साहब दिमाग का भी बहुत फिक्र कर रहे थे मुसलमान लोग का, दिमाग जो ठिकाने पे है या नहीं, मतलब सही जगह पे भाई साहब, डॉक्टर वाला काम भी प्रवेश वर्मा कर रहे थे। इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। देखा भाई साहब कैसा ख्याल कर रहे थे मुसलमान लोग के दिमाग का भी, दिमाग भाई साहब ठिकाने पे लाना चाह रहे हैं, वो ठिकाने पे नहीं है ना, डॉक्टर का भाई साहब बिना पैसा के डॉक्टर वाला काम कर रहे हैं सब नेता भाई साहब। देखो संगीत सोम, नंदकिशोर गुर्जर, रमेश बिधूड़ी सब भाई साहब, और राजा सिंह, ये तो सबसे बड़का परोपकारी है, ये समझो बीजेपी में सबका सब परोपकारी है, कोई दो चार ही होगा कोई उंगली पे गिनने लायक, जो राजनाथ सिंह जैसा जो परोपकारी नहीं होगा, जो अपने ही धर्म का सोचता होगा, सिर्फ मुसलमान का सोचता ही नहीं होगा ज़्यादा, दो चार ही होगा। और हमारे महाराज जी 80-20 ऐसा गिनती का भी फिक्र हो गए थे, कितना है, 10 हैं कि 15 हैं कि 20 हैं, हम देखें तो सही, मतलब किसी और पार्टी के नेता को है इतना फिक्र है कोई, और हमारा शेर भाई, हमारा शेर तो इतना लव करता है, इतना लव करता है भाई, कपड़ा से ही पहचान लेता है दूर से ही, हमको नहीं पहचान पाता कपड़ा से, हम तो जब पास आ जाते हैं ना बिल्कुल, तब भी नहीं पहचान पाता भाई साहब, अब हमको लव नहीं करता ना, लव तो भाई साहब इन लोग को करता है, और हम लोग भी सब भगत लोग,
जो हमारे शेर का फॉलोअर है ना, जो सपोर्टर है, जितना भी सपोर्टर है बीजेपी का जो सपोर्टर है, वो भी भाई साहब इतना ही परोपकारी है। देखने भाई साहब, जब भी अपना कोई त्यौहार आते हैं, होली दिवाली, भाई साहब मुसलमान के बारे में सोचता है पहले, अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में नहीं सोचता। पहले भाई साहब मंदिर नहीं जाता, पहले मस्जिद पे जाता है और वहाँ डीजे बजा के डांस करता है। भाई साहब इतना सोचता है, इतना परोपकारी है सब भगत लोग, अपने भाई साहब मंदिर के बारे में, अपने धर्म के बारे में नहीं सोचता पहले, इतना परोपकारी है। संतोष के फोन है। हेलो, हाँ बढ़िया एकदम। का माफी मांग लिए का है? अच्छा प्रेशर पड़े होंगे कोई। अरे कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं हम अभी। वो बाल मुकुंदाचार्य माफी मांग लिए, अब ऐसे कैसे परोपकार करेंगे ही, माफी मांगेंगे तो। ललिता जी देखो का कर दिए बाल मुकुंद, ललिता को बता रहे हैं, ऐसे कैसे परोपकार करेंगे अभी।